अगर आप अपनी पीआईए की खातून को अगले दिन उसकी बड़ी एक शर्मिंदगी वाली वीडियो आई है जो करेंसी स्मगल करने में पकड़ी गई है। बरी साहब, ये जो सोशल डीजनरेशन है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी क्यों बैरूने मुल्क जाके अपने मुआशरे, अपनी कौम और अपने वतन के लिए बायस नदामत बन रहे हैं? हम इस वक्त किस रौले में पड़े हुए हैं? मैन मेड क्राइसिस में हमारा इश्यू सिर्फ सिक्योरिटी है, सोशल अनरेस्ट ना फैले और ये कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। इश्यूज इतने खतरनाक जंगों के दहाने पे दुनिया खड़ी है इस वक्त। एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है। अभी देखिए, बहुत बड़ा इस्माइल हानिया वाला जो वाक्य हुआ है, ये मुसलमानों के लिए, मेरे लिए, और उससे पहले रानी सदर की, जी रानी सदर की, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। साथ ही यहाँ मियां हमारा ये है कि पेरिस ओलंपिक्स में रूस की शिरकत पर तो पाबंदी लगा दी जाती है, मगर 40,000 शोधा और 1,00,000 से ज्यादा जख्मी फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की बजाय अमरीकी वजीर दिफा कहते हैं कि किसी ने हमला किया तो इसराइल की मदद को अमरीका आएगा। जो जिस तरीके से फलस्तीनियों को कत्लेआम जारी है, मेरे ख्याल में दुनिया और तमाम इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा, मेरे ख्याल में एक अफसोस का मकाम है, जिन्होंने इस जेनोसाइड को रोक नहीं सकते। तो देखिए, इसराइल 1 करोड़ लोगों का मुल्क है, एक सिर्फ 1 करोड़। ठीक, हमारे कराची में 2 से 2.5 करोड़, कुछ 3 करोड़ कहते हैं लोग। तो 1 करोड़ लोगों का मुल्क जो है, उसने कितने मुल्कों को पकड़ के रखा हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक वीडियो काफी वायरल हुई, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस यानी पीआईए के एक फ्लाइट अटेंडेंट एक फीमेल एयर होस्टेस करेंसी यानी रुपये को स्मगल करती हुई पकड़ी गई। और बकायदा वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तानी एयर होस्टेस ने नोटों को किस तरह से अपने पास छुपा रखा था। हैरानी की बात यह है कि तलाशी लेने के बाद उस पाकिस्तानी एयर होस्टेस के पास से 1,40,000 के सऊदी रियाल्स पकड़े गए, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हंगामा हुआ। और इनफैक्ट आपको याद होगा, यह कोई पहली ऐसी घटना नहीं है पीआईए एयर होस्टेस की, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। और अभी तो रिसेंटली एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक पीआईए एयर होस्टेस तो कनाडा के अंदर जा करके गायब ही हो गई थी, यानी पाकिस्तान वापस पहुंचे नहीं, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि आखिर पाकिस्तानी जो बाहर विदेशों में जाते हैं, ऐसे इलीगल कामों में क्यों इन्वॉल्व ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। ताड़ साहब, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहां पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि 2 जो एथलीट्स हैं उन्होंने वहां पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहां पे गए थे खिलाड़ी। एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तारड़ साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उस हमारी बच्ची ने एक दिन में 2 मेडल जीते हैं, सरबजोत सिंह उनके साथ थे। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया, मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। अगर आप अपनी पीआईए की खातून को अगले दिन उसकी बड़ी एक शर्मिंदगी वाली वीडियो आई है जो करेंसी स्मगल करने में पकड़ी गई है, नहीं आता। तो इन सर्कमस्टांसिस में लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, तो वे पाकिस्तान के रीजन के सूरत हाल चल रही है। आज जो सुबह वाकया हुआ है चीमा साहब, जो 2 इजराइल ने 2 अटैक किए, एक उन्होंने अटैक बैरूत में किया है, शकूर साहब है वहां पे, उनको अटैक किया है, और उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने ईरान में किया। ईरान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट है, बहुत एम्बैरेसमेंट कि उनके कैपिटल सिटी में अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जब इनॉग्रेशन की जो डिग्निटरीज की सेफ्टी नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट क्या हो। फलस्तीन और तमाम आलम इस्लाम में मजामत और कुर्बानी की इलामत समझे जाने वाले हमास सरबरा इस्माइल अब्दुल सलाम अहमद हनिया को तेहरान में
उनकी रिहायशगाह पर मिसाइल हमला करके शहीद कर दिया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे के करीब हमास के सरबरा इस्माइल हनिया पर तेहरान में उनकी रिहायशगाह पर गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें वो अपने साथी समेत शहीद हो गए। अल जजीरा के डिफेंस एडिटर का यह कहना है कि इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिन तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद शामिल है और ग्राउंड इंटेलिजेंस के लिए ईरानी हुकूमत मुखालिफीन और मोसाद ने अहम किरदार अदा किया है। इस्माइल हनिया की शहादत पर उनके बेटे अब्दुस्सलाम हनिया ने अपने पैगाम में यह कहा है कि मेरे वालिद कौमी इत्तेहाद के दाई थे, जो फलस्तीन के तमाम धड़ों को यकजा करके इजरायली कब्जे और एक इनकलाब के लिए मुसलसल जदोजहद करने पर यकीन रखते थे। क़यादत के कत्ल से फलस्तीनी मजामत खत्म नहीं होगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास के सीनियर तर्जुमान सामी अबू जहरी ने यह कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल से इसराइल अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगा और अब मकबूजा बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए खुली जंग छिड़ेगी। जबकि इब्तदाई तौर पर पहले अमरीकी व्हाइट हाउस ने फौरी रद्द अमल देने से इंकार कर दिया, मगर फिर अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का यह मौका सामने आया कि हमास सरबरा को निशाना बनाने में अमरीका मुलव्वस नहीं। और अमरीकी वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टन का यह कहना है कि किसी ने हमला किया तो इसराइल की मदद को अमरीका सामने आएगा। खित्ते में अमली तौर पर फलस्तीन के सबसे बड़े इत्तेहादी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने एक्स पर जारी पैगाम में इसराइल को सख्त से सख्त सजा के लिए खबरदार करते हुए यह कहा है कि इस्माइल हनिया हमारे मेहमान थे, उनकी मौत का बदला लेना ईरान पर फर्ज हो गया है। इसी तरह ईरानी सदर ने भी इस्माइल हनिया को बहादुर रहनुमा करार देते हुए यह कहा है कि अपने इलाकाई सालमियत और वकार के दिफा में इसराइल को बुजदिलाना हमले का भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, अभी तक हमास के कम अज कम 4 बड़े रहनुमाओं को इसराइल शहीद कर चुका है। फलस्तीनी कौज को लेकर यह बहुत बड़ी शहादत है। इसके खित्ते पर गहरे असरात मुरतब होंगे एक ऐसे वक्त में कि जब गुज़िश्ता रोज ही इसराइल की तरफ से यह दावा किया गया है कि उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र को शहीद कर दिया है, मगर फलस्तीन को लेकर आलमी दुनिया में एक बेहसी है और मुस्लिम दुनिया का काम सिर्फ अनफॉर्चुनेटली कंडमनेशन और मजम्मतें ही रह गया है। साथ ही यहां अलमिया हमारा यह है कि पेरिस ओलंपिक्स में रूस की शिरकत पर तो पाबंदी लगा दी जाती है, मगर 40,000 शोधा और 1,00,000 से जायद जख्मी फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की बजाय अमरीकी वजीर दिफा कहते हैं कि किसी ने हमला किया तो इसराइल की मदद को अमरीका आएगा। अल्लाह इस्माइल हनिया को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो एक बैतुल मुकद्दस को इसराइली कब्जे से छुड़वाने की जद्दोजहद में शहीद हुए हैं। इश्यूज इतनी खतरनाक जंगों के दहाने पे दुनिया खड़ी है इस वक्त। आपके पड़ोस में हो रहा है ये बिल्कुल आपके बॉर्डर के उस तरफ असैसिनेशन हुई है और ये बलूचिस्तान के साथ बात ये है और वहां की सिचुएशन। असल इशू ये है कि कैपिटल और टारगेट, जैसे कि इसराइल ने किए, दो लोग टारगेट किए उन्होंने, राइट हैंड ऑफ सैयद हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया, जो कि वजीर आजम फलस्तीनी अथॉरिटी के 2006 के इलेक्शन में, और जो कि पोलिट ब्यूरो के सरबरा।